हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, लेकर आ चुका है एक इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत बेहतरीन वीडियो है, कुछ नॉलेज पर्पस के लिए है। इंटरेस्टिंग वीडियो अभी तक कुछ ऐसा है नहीं, फर्स्ट टाइम यूट्यूब है। इससे पहले सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है ना। देखो टॉपिक ये है कि भाई ये गाड़ी है, ठीक है। जब ये गाड़ी चलती है तो इसके चार पहिए हैं, रबड़ वाले पहिए हैं ये। इन पहियों को पर दौड़ती है बहुत, 80, 90, 100, 120, 200, 300 आराम से, बिल्कुल टायर के ऊपर ही चलती है भाई। ये नहीं चलती 300 स्पीड में, और चलती है लेकिन 100, 120 तक, 150 तक आराम से पहुंचती, ठीक है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भाई बिना टायर के केवल रिम रिम पे तो खैर गाड़ी चलती है, लेकिन उसमें कम रिस्क रहता है रिम खराब होने का, ठीक है ना। रिम भी खराब ना हो, जो हमारा रिम है वो खराब भी ना हो, और गाड़ी भी दौड़े और फिर कंफर्टेबल भी लगे, मतलब गाड़ी खराब भी ना हो, रिम भी खराब ना हो, गाड़ी कंफर्टेबली दौड़े, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे कि देखो मैं दिखाऊँ आपको, ये मेरे पास स्टील रिम है, ठीक है, ठीक है, इसका ही गाड़ी का है स्टील रिम। अब इसके ऊपर हम लपेटेंगे टेप, इसके ऊपर हम चारों तरफ टेप लपेटेंगे और टायर के बराबर इसको मोटा करेंगे टेप को, ठीक है ना। टेप लगा 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 के, और उसके बाद हम एक टायर इसमें से गाड़ी में सटा देंगे, ये वाला टायर हम रिमूव कर देंगे, इसको लगा देंगे हम, फिर देखते हैं कि भाई ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल चल पाती है, या कितने मतलब जो इनसे पकड़ बनती है रोड पे, ठीक है ना। हम थोड़ा कच्चे में चलाएंगे, पक्के में चलाएंगे, गारा में चलाएंगे, देखते हैं कि टेप वाला टायर कितना मतलब कैपेबल है, जब कितना मतलब बढ़िया सहन कर सकता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप लेके आए, देखते हैं, बना के बना चालू करते हैं, मतलब मजा आने वाला है, शुरू से एंड तक बने रहे। और डिस्क्लेमर यही है, आप ट्राई ना करें किसी गाड़ी के, रिस्क का काम हो सकता है, लेकिन हम सेफ्टी के साथ करते हैं, खुले एरिया हम करते हैं, और जहाँ पे कोई रिस्क ना हो, ठीक है ना। तो चालू करते हैं, सबसे पहले टेप टायर को लगाते हैं, ठीक है ना। आ जाओ गाइस, चालू करते हैं। तो गाइस कंप्लीट हो चुका है टायर, ठीक है ना। गाड़ी का टायर जो टेप वाला टायर है ये कंप्लीट हो चुका है। देखो अभी काफ़ी ज़्यादा गैप है गाड़ी में, ठीक है ना। अभी इस समय ईट के ऊपर रखी है, पहले फिलहाल उतारते हैं इसको और देखते हैं कि कितना कैपेबल है ये गाड़ी, कितने चला पाती है, स्मूथ चलती है, फिर परेशान करता है। ये केवल एक इंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए। तो इसको सीरियस ना ले और ना ट्राई करें, ठीक है ना। गाड़ी को ये रिम तो पक्का है कि ये दे चलेगा नहीं, क्योंकि इसके जो ये साइड है ना, ये काट देंगे इसको साइड को, तो ये तुरंत निकल भग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना, चला गया कि कैसा लगता है कैसा नहीं, ठीक है। तो मैं अंदर से गाड़ी चलाऊंगा और अमन बाहर से कैप्चर करेगा वीडियो, ठीक है ना। तो चालू करते हैं। टेप निकल गई बाहर, मतलब आ गई एक साइड में को। ये टायर पीछे फटा था ना, साइड वाइड में हो रहे हैं। टेप है, टेप करो करो, पहले
दिक्कत हो रही है ना, बाहर है ना, बाहर आ लियो, बाहर आ लियो, एक बार देख लो आगे बाहर। हट गया सब, हट गया। बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ हो चुकी है और मैं भी नहीं देखूंगा, मैं थोड़ा रख के देखूंगा आराम से भाई। ओ तेरी गाइस, मतलब देखो टेप बहुत ज्यादा लगाई थी, कम से कम 7-8 मंडल टेप लगे इस पे, ठीक है ना। और टेप का हाल, अंदर कट्टे लगाए थे हमने उसका भी हाल, टेप का हाल, उन सब का हाल, क्या हाल हो चुका है, ठीक है। देखो कतई बिल्कुल खराब, अंदर भी इसमें देखो, इसमें रगड़ा है, अंदर भी इसमें रगड़ा है, ठीक है ना, और खराब हो चुकी है, मतलब पूरी बेकार। तो रिम तनामुड़ी देखियो, रिम तनामुड़ी, रिम का पेंट उतर गया, लेकिन रिम मुड़ेगा नहीं, रिम काफी हैवी होता है, स्टील रिम होता है ना। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट होता है फेल यहीं पे, और आप ट्राई ना करें बिल्कुल, ठीक है ना। देखो कुछ ऐसा हाल हो चुका है इसको, आप ट्राई ना करें, और वीडियो देखकर एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के जय श्री राम, बाय गाइस, लव यू।